Hey everyone, very welcome back again to my YouTube channel, Be Positive and Jyoti Vishwakarma. Hope you are doing well. Baby, this is do or die. Feel it in my veins and not. So friends, आज की जो वीडियो है वो मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड है. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपनी शॉपिंग हॉल शेयर की थी Amazon की, और उसमें मैंने कुछ हेम डेकोर के लिए लीफ वगैरह मंगाई थी आर्टिफिशियल, तो उसी का ये पार्ट टू है. जस्ट बिकॉज उसमें मैंने बोला था कि मैं अब कैसे डेकोर कर रही हूँ वो भी वीडियो इंक्लूड करूँगी, बट वीडियो ऑलरेडी वो थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं ऐड की. और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत लीफ्स और मंगाए थे छोटे साइज के अलग डिज़ाइन के, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँ. एंड मैंने कैसे डेकोर किया है ये भी मैं आपको दिखा दूँगी. सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाओ. सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक क्लिप एक स्टेरिंग यहाँ पे लगाई हुई है, तो बाकी स्टेरिंग की आप थोड़ी सी अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ. ओके, दो पैकेट का वो पूरा नहीं लगा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिला है. और आप इसको ना अच्छे से कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकते हो, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे ये मिला है. सो एमआरपी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, फिर ये पैकेट के हिसाब से मिल रहा है. जैसे कि एक मिनट. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा सा लैपटॉप में देख के बताते हैं बेचस्ते, और मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना कि इकट्ठे याद भी नहीं आती हैं. तो इसका पैकेज मैं आपको बता देती हूँ. एक पैकेट में अगर एक लेयर एक स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ मैं, एक स्ट्रिंग अगर सिर्फ सिंगल आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पीछे एक सिंगल लगाया हुआ है, अगर आपको ऐसे लेना है तो 79 रुपीज़ में दो की आपको मिल जाएगी, 199 रुपीज़ में थ्री की मिल जाएगी, 240 रुपीज़ में फोर की मिल जाएगी, 280 रुपीज़ में, एंड फाइव की आपको 345 रुपीज़ में मिल जाएगी. और 10 अगर 10 स्ट्रिंग आपको लेनी है तो 549 की मिलेगी, 20 स्ट्रिंग आपको लेनी है तो 999 मतलब 1000 की आपको मिलेगी. तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है. अगर आपको थोड़ा सा यूज डेकोर करना है तो आप ना सीधे 20 का मंगाओ, जस्ट बिकॉज ये आपको 1000 रुपीज़ में 20 स्ट्रिंग मिल रही है. एंड सीरियसली फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज डेकोर आप कर सकते हो इससे, जैसा कि मैंने अपना सजाया हुआ है. एंड आप पीछे देख सकते हो, मैंने 3 पैकेट मंगाए थे, पांच हर पैकेट में आपको 5 मिलेगा. ओके, तो पैक ऑफ 5 जब मैंने इसको मंगाया था तो ये मुझे 199 रुपीज़ में सिर्फ मिला था, एक पैकेट 199 रुपीज़ में. इतना गजब का ऑफर मिला था, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी. सीरियसली अभी जो दो का पैक चल रहा है ना 199 रुपीज़ में, वो मुझे 5 के पैक पे मुझे 199 मिला था. और मैंने झट से इसको ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मुझे 600 में पूरे 15 स्ट्रिंग मिल रही थी, मतलब कि 3 पैकेट मुझे मिल रहा था. और इसकी जो MRP है वो 699 रुपीज़ में है, और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 345 रुपीज़ चल रहा है. और डिलीवरी आपको फ्री है, तो अभी ये 5 के पैकेट पे फ्री है. और ईच पैकेट में जितने भी स्ट्रिंग है वो सब सारे 7 फिट के हैं, 7 फिट से नीचे का कुछ भी नहीं मिलेगा. उसके बाद मेरा ये एक पैकेट अभी बचा हुआ है, इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक दो पीस ऐसे मैंने अलग से रखा हुआ है. तो मैं वीडियो बनाते समय उसको बैकग्राउंड में कर ली गई, थोड़ा बहुत थोड़ा देख लो. अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. अगर आपको होम डेकोर करना अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे बाय करो. ओके, जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी उसमें मुझे एक कमेंट आया था, तो मेरा भाई अंबर राज, उसने कमेंट किया था कि मैं इसको डेकोर करके दिखाऊं. तो अंबर, मेरे वीडियो बिल्कुल रेडी है, डेकोर की रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली थी, बस मैंने इसकी जो इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया था, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था. जो क्वालिटी है, जो भी इसका फैब्रिक है, मटेरियल है, जो वो बिल्कुल सेम टू सेम वही पहले वाला है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पैकेजिंग MRP की चेंजेस और कुछ. ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है ना, सीरियसली. तो अभी ये ना पूरा पैक ही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे आपको मैं काउंट भी करा देती हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्ट्रिंग, और ये बिल्कुल पैक्ड है.
एंड इसमें थोड़ी सी बैड वाली स्मेल आ रही है तो वो चली जाएगी, आप रूम फ्रेशनर वगैरह मार दोगे जो सही हो जाएगा। और इसकी जो लीफ है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक तो छोटी छोटी सी है एंड इतनी घनी है ना कि आप कहीं भी लगा रहे हो, जैसे कि आप मेरे पीछे ही देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसको लाइटिंग वगैरह के साथ आप लगाओगे ना तो ऑसम लगने वाला है, ऑसम। सो फ्रेंड्स, मेरे सारे लीव्स जितने भी मैंने ऑर्डर किए थे वो सारे आ गए हैं, और दो तो मैंने पहले सजा लिया था, एक थोड़ा लेट मुझे रिसीव हुआ है। तो आज जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई दी है, ये वाली जो लीव है उस थोड़ी सी छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है। एंड इसको बाय करने में मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है, बिकॉज इसका जो पैकेज था वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप्स में था। जैसे कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करते समय इसकी पूरी डिटेल बताई होंगी, तो आप अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस कर लेना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलिए, मैंने कैसे कैसे डेकोर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो छोटी वाली लीफ है उसको मैंने अपने फ़ोटो फ्रेम के साइड साइड में लगाया है। तो ये जो आपको ऑरेंज वाली दिख रही है, एक इधर और एक इधर, इसको मैंने हाफ हाफ किया है, एक स्ट्रिप्स में से मैंने इसको हाफ किया है और दोनों साइड में लगा दिया है। एंड जो आपको ग्रीन वाली दिख रही है, ये एक एक मैंने लगाया हुआ है, ये 7 फिट का है। तो इस तरह से अभी मैंने जस्ट टेम्पररी इसको डेकोर किया है, क्योंकि अभी अभी आज ही मुझे रिसीव हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले अनबॉक्सिंग करी है। और यहाँ पे मैंने जस्ट अपने बेड के ऊपर थोड़ा सा डेकोर किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, उधर से लाइट के साथ लीफ के साथ मैंने यहाँ पे लाइटिंग भी लगाई है। एंड जो मैंने अपने पिलर को सजाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी ये एक एक पैकेट अभी बचा हुआ है, इसे मैं यूज़ करूँगी अपने पिलर पे। तो इसको इससे जो है लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये वाला मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी, फिर कभी कोई वीडियो शूट करूँगी तो ज़रूर से दिखा दूँगी। तो अभी ये जो मेरा पिलर है ये आप देख सकते हो गाइस, तो ये मेरा सूना सूना जो पिलर था, मैंने इस पर फूल पत्तियाँ उगा दी हैं फिलहाल तो। और आप देख सकते हो ये ऑरेंज लीफ एंड ये ग्रीन लीफ को मैंने कॉम्बिनेट किया है, और साथ में मैंने व्हाइट लाइट लगाई है, एज यू कैन सी फ्रेंड्स। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने सोचा है कि इसी में ही वो जो आज मैंने जो लीफ मंगाई है जो छोटी छोटी सी वाली, उसमें भी एक दो लाइंस में उसके भी लगा दूंगी उसमें। और ये एक और पिलर मेरे रूम का, तो यहाँ पे भी मैंने सेम डेकोरेशन किया हुआ है। एंड ये दोनों ना थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने जो पीछे का पिलर के जो पीछे की साइड है वो मैंने अभी ब्लैंक रखी है, और मैंने सोचा है कि छोटी वाली लीफ को मैं एक दो इधर लगा दूंगी। वैसे दिख तो नहीं ही रहा है, बट फिर भी। और एक जगह मैंने लीफ को लगाया है, छोटी वाली लीफ को लगाई है मैंने अपने टीवी के ऊपर लगाया है, तो ये मैंने अपनी टीवी के ऊपर लगाया है। जो कैन सी फ्रेंड्स, मैंने पहले यहाँ पे बड़ी वाली लीफ लगाई थी, बट बड़ी वाली लीफ मैंने जब पिलर पे लगाई ना तो वहीं पे मुझे कम पड़ गई, तो इस पे का मैंने उतार के दस पिलर पे लगा दिया। और अभी जब छोटी वाली लीफ आई है तो मैंने छोटी वाली लीफ को अपनी टीवी पे दो लाइन मैंने ली है, तब जाके मेरी टीवी पे कम्प्लीट हुई है। सो फाइनली, और यहाँ पर भी अभी कुछ लीव्स बचे हुए हैं तो इसे भी मैं लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिलर में थोड़े कम पड़ गए थे, अभी थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है, थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो उसको कंप्लीट करूंगी मैं। और फाइनली मेरे रूम का डेकोर हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मेरा जो पिलर था वो ही थोड़ा सा क्या बोलते वो ही थोड़ा सा सूना सा लग रहा था। बाकी मैंने वॉल का तो पेंटिंग करी दी थी, आई थिंक मुझे 10 मंथ्स हो गए, बिफोर 10 मंथ मैंने अपने वॉल की पेंटिंग करी थी। और इस पेंटिंग की भी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने इस वॉल को कैसे पेंटिंग करी है, कैसे की डिज़ाइंस बनाई है, तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हो। लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको ज़्यादा सर्चिंग ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट पहुँच जाओ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कम्प्लीट करने के लिए मुझे 3 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि अभी जो आपने देखा उसमें जो है मैंने ये छोटी वाली लीफ नहीं लगाई थी, तो छोटी वाली लीफ के साथ भी मैंने ज़रूरी समझा आपको इस पिलर को दिखाना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। एंड अभी आप देख सकते हो इतना घना घना सा है, एंड लिटरली ब्यूटीफुल लग रहा है, अब ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। और ये रहा मेरा ये वाला पिलर, तो दोनों पिलर एक साथ कैमरे में आते ही नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, एक मिनट। सो या, तो यहाँ से तो ये दिख रहा है और पीछे से वो पूरा दिख रहा है, तो पीछे से आप देख के समझ सकते हो कि क्या हाइट है लीव्स की एंड ओवरऑल जो भी है। और एक बार अंधेरा करके
क्योंकि ज़्यादा लाइट में इसकी जो लाइट है वो पता नहीं लगती है, तो जब तक अंधेरा नहीं करो तब तक इसकी जो लाइट का जो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी है, वो निखर के नहीं आती है। तो इस लाइट की ब्यूटी जो है वो नहीं दिखती है। सो या अब जाके मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा डेकोर कैसा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाओ। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो डेकोर किया था अपने फोटो फ्रेम के साइड में वो कहाँ गया, तो वो मैंने निकाल दिया है जस्ट बिकॉज ज्यादा देर तक टेप चिपकाने से ना दीवार में स्पॉट्स आ जाते हैं और वो जाते नहीं है सही से, तो इसलिए मैंने टेप से हटा दिया है। और पिलर की जो डेकोरिंग मैंने की हुई है वो मैंने एल्युमिनियम के तार में की हुई है, तो वहाँ पे स्पॉट का कोई मुझे टेंशन नहीं है, वो ऐसे लटक रहा है और जब भी मुझे लगेगा कि वो गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो मैं उसे निकाल के एंड पानी में डाल के बस निकाल दूंगी। वो कोई कपड़ा नहीं है कि हम उसमें सर्फ साबुन डिटर्जेंट लगा के और ब्रश से मार मार के धोए, तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा लाइट मटेरियल, लाइट वाला फैब्रिक है, तो अगर हम उससे ब्रश व्रश मारना और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया तो उसका तो कचूंबर ही निकल जाएगा, तो उसे ऐसे ही रहेंगे। ओके।